बिहार में 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं आरजेडी 6 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर रही, जबकि जेडीयू ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह एमएलसी चुनाव में बीजेपी नंबर 1 तो आरजेडी नंबर 2 पर, जबकि सीएम नीतीश की पार्टी 3rd नंबर पर रही। इस चुनाव में निर्दलियों ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा और कांग्रेस को एक एक सीट पर जीत हासिल हुई है। गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए ने 24 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन इस नतीजे के बावजूद विधान परिषद में तेजस्वी यादव सबसे बड़े गेनर बनकर उभरे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है। बीजेपी को जहाँ 5 सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं आरजेडी को 2 सीटों का फायदा हुआ है। एमएलसी चुनाव नतीजों के साथ बिहार विधान परिषद में दलीय स्थिति बदल गई है। 75 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद में अब जेडीयू के 28 सदस्य हैं, बीजेपी के 22 और आरजेडी के 11 सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1, वीआईपी के 1 और निर्दलीय सदस्यों की संख्या सदन में 5 हो गई है। इस प्रकार सीएम नीतीश की पार्टी चुनाव नतीजों में तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद भी सदन में नंबर 1 पर काबिज है। देशवा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।